हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी ऊप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस पॉप प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, उनके डिफरेंसेस बताए थे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ JDK के बारे में, इसके क्या बेसिक्स होते हैं, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉट इज़ JDK? JDK क्या है? JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। अब जैसे नाम बता रहा है, एक डेवलपमेंट किट है जावा की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, उसको बनाने के लिए। तो ये एक्चुअली एक बंडल होता है और ये नेसेसरी टूल है अगर आपको जावा के कोई भी एप्लीकेशंस को डेवलप करना है। इसके बिना हम काम ही नहीं कर सकते। JDK के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मैंने बेसिक चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे JRE जिसे बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JVM जिसे बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो कि एक हेल्पफुल फाइल्स होती है जो जावा ने पहले ही हमें बना के दी है, मतलब सॉरी ओरेकल ने हमें बना के दी है ताकि हम बेसिक काम कर सकें उस पर। और उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है और बंडल्ड है काफ़ी सारे टूल्स के साथ। यहाँ पर मैंने JDK की वर्जन हिस्ट्री रखी हुई है कि कौन कौन से वर्जन्स किस साल आए थे। तो सबसे पहले 1995 में JDK बेटा वर्जन रिलीज़ हुआ था, फिर 96 में 1.0, 97 में 1.1, ऐसे करके 2002 तक 1.4 तक वर्जन आए थे। फिर 2004 में इन लोगों ने अपने नेमिंग कन्वेंशंस चेंज कर दिए, फिर इसको JDK 5.0 बोलने लगे। फिर 2006 में इनको बोलने लगे JDK जावा डेवलपमेंट किट स्टैंडर्ड एडिशन 6, फिर 7, 8, 9, अभी लेटेस्ट 2018 में इन्होंने निकाला है जावा डेवलपमेंट किट स्टैंडर्ड एडिशन 10। इसका नेमिंग कन्वेंशन फिर से इन लोगों ने चेंज कर दिया, इसको जावा 18.3 भी बोलते हैं। 18 का मतलब है 2018 यानी 2018 और 3 का मतलब है मार्च, क्योंकि इन लोगों ने ये JDK का जो पैकेज है ये मार्च 2018 में इन लोगों ने अनाउंस किया था, तो इसे जावा 18.3 भी बोलते हैं। वॉट इज़ JVM? जैसे मैंने आपको पहले बताया JVM होता है जावा वर्चुअल मशीन। अब नाम में ही वर्चुअल है, इसका मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में एक वर्चुअल मशीन चलती है जो जावा के कोड को एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। इसी पे एक वर्चुअल मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट चलता है और ये वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके जो ऑपरेशंस होते हैं यानी इसके जो काम है वो हमारा जो भी कोड है उसको लोड करता है, उसको वेरीफाई करता है कि वो एक एक्चुअल कोड है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स कोई एरर्स तो नहीं है, उस कोड को एग्जीक्यूट करता है और उसको चलाने के लिए यानी कि रन करने के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। JRE इसका मतलब है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये एक एक्चुअल इन्वायरमेंट, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। जब आप JDK को इंस्टॉल करते हैं तो बैकग्राउंड में जावा रन टाइम इन्वायरमेंट रन करते रहता है वर्चुअल मशीन के साथ और ये इम्प्लीमेंटेशन देता है उस वर्चुअल मशीन का। ये फिजिकली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर जो मैंने आपको पहले बताया लाइब्रेरीज होती है, कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती है और कुछ फाइल्स होती हैं जो JVM यूज़ करता है रन टाइम पे। अब ये फाइल्स क्या होती हैं? ओरेकल जो कि जावा का ओनर है, उन लोगों ने कुछ फाइल्स बना रखी हैं जिन्हें जार भी बोलते हैं। उसके अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस है, जैसे अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको कोई फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपको स्टार्टिंग से वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओरेकल ने वो कोड पहले ही प्रोवाइड कर रखा है, आप ओरेकल की वेबसाइट पे जाके उस पर्टिकुलर जार को डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने JRE का एक ब्लॉक डायग्राम दिखा रखा है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो JVM है वो JRE के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर रन करता है, वर्चुअल है ये। इसके साथ कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज और अदर फाइल्स, ये वही लाइब्रेरीज और फाइल्स है जो मैंने आपको बताया कि हमें ओरेकल प्रोवाइड करता है। और ये कंप्लीट जावा डेवलपमेंट किट का पैकेज है, इसमें आप देख रहे हैं JVM, उसकी लाइब्रेरीज, JRE और साथ में कुछ डेवलपमेंट टूल्स, सारे एक साथ काम कर सकते हैं करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो टूल्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनको हाईलाइट करा है। जैसे सबसे पहले है हमारा है जावा कंपाइलर जिसे जावैक भी बोलते हैं, फिर जावा इंटरप्रेटर जावा जो सिंपल होता है हमारा, फिर जावा डिसअसेंबलर है, जावा की सी हेडर फाइल्स हैं, जावा डॉक अगर हमें कोई वेब पेजेस बनाने हैं, कोई अगर हमें वेबसाइट्स बनानी है तो ये जावा डॉक का यूज़ करते हैं, और एंड में है JDB यानी कि जावा डिबगर, अगर हमारे कोड में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है कोई भी बग होते हैं तो ये JDB ही है जो उस बग को फाइंड आउट करता है और हमें प्रोवाइड करता है कि हम उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस करें ताकि वो बग्स रिमूव हो जाएं। यहाँ पर मैंने आपको एक लिंक दे रखा है JDK के पैकेज को डाउनलोड करने का, आप इस लिंक से जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा और उसके बाद हम जावा का पाथ सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये लिंक दिखा देता हूँ कंप्यूटर में मेरे दोस्तों। लिंक जब आप कॉपी करेंगे तो आपके पास ऐसे कुछ खुल जाएगा, आप इसमें
यहाँ JDK पे जाएंगे, अभी करंटली 9 चल रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सारे पैकेजेस दिखा देगा। अगर आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, मैकिंटॉश यानी कि एप्पल का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये पैकेज डाउनलोड कर देता हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इसको, अगर आपको डाउनलोड करना है तो एक्सेप्ट करिए इनके लाइसेंस अग्रीमेंट को और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ये पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। अब मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, आप इसे रन करेंगे। दोस्तों हमारा जो JDK है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हमें जावा का पाथ सेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अगर आपको विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आ रहा होगा माई कंप्यूटर डेस्कटॉप में। यहाँ पर मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है दिस PC। इनकी प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे और यहाँ एनवायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर हमें देखेंगे एक वेरिएबल पहले ही डिफाइंड है पाथ, इसी को हमें एडिट करना है। तो एडिट और न्यू, यहाँ पर हम ब्राउज करेंगे, और सी में हमारा जो प्रोग्राम फाइल्स है इसमें हमें JDK पे और ये बिन, ये है बाइनरी फाइल्स, ये बाइनरी फाइल्स का एक्चुअली फोल्डर है, इसी के अंदर सारी जार्स हैं, इसे हमें सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हो गया और ओके ये कर दिया। अब अगर हमें चेक करना है कि हमारा जो JDK है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम विंडोज़ प्लस R कमांड दबाएंगे और ये रन कमांड खुल जाएगा। इसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे जिसका शॉर्टकट है CMD, और यहाँ पर हम लोग हमारी जो जावा कंपाइलर की जो कमांड है उसे एंटर करेंगे, स्पेस माइनस वर्जन, पता करने के लिए कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है जावा 9.0.1 ये इंस्टॉल हो गया है। अगर आपके कमांड प्रॉम्प्ट में ऐसा आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब आपने JDK को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। इसी के आगे हम लोग आगे की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और आपने कोई नई चीज़ सीखी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।